आज का दिन हमारे लिए बहुत भाग्यशाली दिन है। कुछ साल पहले मैं अपने ब्राह्मण दोस्त के यहाँ शादी में गया था। उनके रिश्तेदारों ने वहाँ मुझे देखा और जाने को कहकर मेरा अपमान किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शूद्र हो और शूद्र को यह अधिकार नहीं कि ब्राह्मणों के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उन्होंने कई सारी और ऐसी बातें कही जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं उतरी। तरह तरह के सवाल मेरे दिमाग में आते रहे जिसका कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि आत्मसम्मान पाने के लिए संघर्ष तो करना होगा और संघर्ष करने के लिए हथियार उठाना होगा। और लाठी बंदूक या तलवार नहीं बल्कि ज्ञान विचार और सही शब्द। ये ज्ञान विचार सही शब्द शिक्षा के बल पर ही आ सकते हैं। और ये हमारे भट्ट पुरोहित क्या हमें शिक्षा देंगे? नहीं, ये खुद से वो हथियार हमारे हाथों में नहीं सौंपेंगे। हमें खुद से शिक्षित होना होगा। ये हमारी पत्नी सावित्री है, मेरी पहली शिष्या है, जो आप लोगों को पढ़ाने में मेरी मदद करेगी। शिक्षा ही एक ऐसी दौलत है जिसे बांटना बहुत जरूरी है। ये हमारी पहली पाठशाला है जो कि छोटी जाति की लड़कियों के लिए खोली गई है। मैं लड़कों का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लड़कियाँ आगे चलकर हमारी भावी पीढ़ी के लिए आकार देंगी। देखिए, विरोध तो इस काम में होगा ही, लेकिन हमें पूर्ण रूप से अपने आप को यहाँ पर उसमें झोंकना होगा, क्योंकि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप पूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण करने में सफल हों।